प्रदेश की गहलोत सरकार चुनावी मोड में आने लगी है। यही वजह है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए 54 आरपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। रविवार रात गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। सूची में गोपाल स्वरूप को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी उदयपुर रेंज लगाया। इसी तरह ताराराम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय कमांड व कंट्रोल सेंटर अजमेर में तैनात किया। रमेश मौर्य को एटीएस अजमेर, गोपीचंद मीणा को एसओजी भरतपुर, भरतराज को डिस्कॉम जोधपुर और अनंत कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस उदयपुर लगाया गया। इसी तरह रतनलाल को जोधपुर एटीएस में, अशोक कुमार मीणा को उदयपुर शहर में और राजेंद्र मीणा को चूरू, प्रकाश कुमार शर्मा को झालावाड़ में लगाया। सूची में ज्ञानचंद यादव को मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही 2 आरपीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया। निलंबित किए आरपीएस अधिकारियों में संजय गुप्ता भी शामिल है और भाजपा से निष्कासित नेता भंवर सिंह पलाड़ा पर रेप मुकदमा दर्ज करने वाली महिला एसआई की एफआईआर में गुप्ता का भी नाम है। एक अन्य मामले में एपीओ चल रहे गजेंद्र सिंह जोधा को भी निलंबित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।